हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार पायल वत्स में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे कुशल मंगल होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का लेसन जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है, क्योंकि छोटी सी ही ताल है और बहुत इजी, बहुत अच्छी ताल है। और ये ताल क्या है, बहुत ज़्यादा कीर्तन में बजाई जाती है, चाहे कोई भी गाना है, और हर आरती पर इस ताल को बहुत लोग बजाते हैं और बहुत अच्छी लगती है। तो आइए, आज मैं भी आपको सिखाने के लिए जा रही हूँ। और इस वाली वीडियो से पहले, परसों जो मैंने अपना चैनल पर वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि चाटी पर आप अपने हैंड्स कैसे चलाएं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, बहुत हेल्पफुल आपके लिए वो वीडियो हो सकती है। तो आइए, कैसे आपने बजाना है दोनों पर, पहले मैं आपको बजा के बताऊंगी कि दोनों साइड कैसे बजाना है, मिला के फिर बजाएंगे। और ना बीच में मैं आपको इसको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इस ताल का यूज़ करना है, कि कौन से एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताऊंगी, दो दो लाइनें आपको बताऊंगी कि अगर आप इस पे बजाएंगे तो जो आपके हैंड्स हैं रुकते हैं, एक साथ नहीं चलते हैं, गीत गाने के साथ बीच में अटक जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, छोटी सी ही वीडियो है, आपके लिए बनाई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपने चाटी पर कैसे बजाना है। चाटी पर देखिए, आपने जो आपकी ग्रुप फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ग्रुप फिंगर से आप स्टार्ट करेंगे। देखिए कहाँ से आपने करना है, इससे आपने मतलब मेन इस पे कैसे बजाना है। एक दो तीन, एक दो तीन, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो चाटी पर तो देखिए आपने ऐसे बजाना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करा करें। वन टू थ्री, वन टू थ्री। जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो उनके हैंड सब अच्छे से चलने लगे होंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपने कैसे इस पे बजाना है। और देखिए बेस पर, बेस मेन रोल जो होता है ना, वो बेस का होता है। आपने देखिए कैसे बजाना है, एक दो तीन, एक दो तीन। चाहे तो आप इसको ऐसे बजा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी बजा सकते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन। देखिए दोनों में थोड़ा सा क्या है, बस आवाज का फर्क है। अगर आप ऐसे मारते हैं तो ऐसी आवाज आती है, और जब आप ऐसे मारते हैं तो ऐसे आती है। तो कोई बात नहीं, कुछ का हाथ अगर ऐसे चलता है, वो ऐसे बजाना भी पसंद करते हैं, तो आप ऐसे भी बजा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपने बेस पर बजाना है। अब इन दोनों की आप मैचिंग कैसे करेंगे, तो बेस पर देखिए सबसे पहले आप बजाएंगे एक दो, एक दो, और फिर यहां पर आपने बजाना है तीन। ग्रुप फिंगर से आप बजाएंगे तीन, ऐसे मैं आपको बता देती हूं, ऐसा आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए एक दो तीन, और फिर बंद बेस में आपने बजाना है चार, और फिर पांच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। किसी भी आरती पर आप इसको बजाइए, बहुत अच्छी लगती है, मैं खुद भी बजाती हूँ, आपको बजा के भी दिखाऊंगी मैं। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। इसको क्या है, जब आप लय में बजाएंगे तो देखिए, कोई भी ताल है, मैं यही बोलती हूँ कि लय में उसको बजाने की कोशिश करा करें। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, और इस वाली ताल की ना खास बात ये है कि जो आपका चाटी का हैंड्स है ना, जो कई लोगों के रुक जाते हैं, कंटिन्यू नहीं चलते हैं, तो आप खुद देखेंगे अभी मैं बजाऊँगी कि हैंड्स जो है ना आपके, वो रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू चले जा रहे हैं, ब्रेक कहीं पर भी नहीं है। थोड़ा सा हाँ, जब आप बेस की साइड बजाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक आपको मिलेगा, पर जो चाटी पर है आपके हैंड्स कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो जिनके हैंड्स क्या हैं, रुकते हैं, एक साथ नहीं चलते हैं, रुक जाते हैं, तो उनके लिए ये लेसन बहुत ही हेल्पफुल है। तो उनके हैं हैंड्स की अच्छे से तैयारी हो जाएगी कि फिंगर्स कैसे हमें चलानी चाहिए। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। आप देखेंगे कि चाटी पर हैंड्स जो है हमारा कंटिन्यू चल रहा है। आप
आप इसको और फास्ट भी कर सकते हैं, दो तीन चार पांच है। पर पहले धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप कोई भी चाहे छोटा सा एक मंत्र ले लीजिए, दो लाइनों को मैं आपको बताती हूँ। जैसे ओम नमः शिवाय, आप पहले इस पर बजाइए, देखिए कैसे। अब देखिए जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लें, धीरे धीरे इसी वाले मंत्र को आप लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी जब आप ढोलक बजाते हैं तो गाना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप ढोलक ढोलक बजा रहे हैं आप गाना नहीं गाएंगे। ढोलक बजाएंगे तो गाना ज़रूर आपको पड़ेगा, चाहे आप गाएँ चाहे सामने वाला गाए, तो आप ज़रूर गाया करें। कुछ लोग चुपचाप बैठ के बस ढोलक बजाते रहते हैं बंद कमरे में, नहीं, जब तक आप गाएंगे नहीं तो आपको लय ताल का क्या है ज्ञान नहीं होगा, तो गाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब आप इसको ऐसे लें, फिर आप कोई भी जो मैं आप गा रही हूँ उसी पर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए आप माता की भेंट पर गाइए चाहे आरती पर बजाइए, देखिए कैसे। थपाक पर भी ना छोटी छोटी मैजिक थपाक पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं, जैसे मैंने अभी लगाई है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए कोई भी आरती है, जैसे अम्बे माँ की आरती है, उस पर भी आप इसको बजा सकते हैं, चाहे हनुमान जी की है, कोई भी आरती पर आप इसको बजाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। और ये बजाई भी जाती है कीर्तन में, लोग कीर्तन करते हैं उसमें ये ताल बजाई जाती है। भजन गाइए, जैसे शंकर भगवान का है, छोटा सा भजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये थोड़ा सा स्लो है, तो आप इसको थोड़ी सी क्या लय को थोड़ा सा जो आपके हैंड से उसकी स्पीड को आप थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, देखिए कैसे। शिवाय ओम नमः शिवाय बाबा ओम
आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप दोबारे देखिए, और अगर आप ऑनलाइन क्लास हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करके ऑनलाइन क्लास से भी आप ढोलक बजाना सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा फ़र्ज़ है आपको सिखाने का, चाहे आप ऐसे सीखिए चाहे ऑनलाइन क्लास भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि अगर आप और अच्छी ढोलक बजाना चाहते हैं कि आपके हैंड्स अच्छे से चलने लगे, तो ये जो वीडियो हैं इन दोनों का आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्ते जी, जय माता।